हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने अपने पीस काट लिए हैं, अब मैं इनको आपका नाप बता देती हूँ। तो ये मेरे चार पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं, और ये भी मेरे चार पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं। ये भी मेरे चार पीस हैं जिसकी लंबाई 5 इंच है, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन चारों पीसों को खोल लेते हैं। तो ये हमारे चार पीस हो गए फ्रेंड्स, इसके साथ हम ये वाइट वाला अटैच कर देंगे। ये हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसमें लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद हम इसको साइड साइड में से सिलेंगे और बीच की लाइन को छोड़ देंगे। लाइन हमेशा कोने से कोने तक होनी चाहिए फ्रेंड्स, हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो जाए। तो देखिए, मेरी लाइन भी लग गई है इस तरीके से फ्रेंड्स। तो हमें साइड साइड की लाइन में सिलना है और बीच की लाइन को छोड़ना है। तो ऐसे ही मैं इन चारों पीसों पे लाइन लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। हमने फ्रेंड्स अपने सारे पीसों में लाइन लगा ली है, अब हम इनको सिलते हैं। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पीस सिल लिए हैं, अब हम इसको बीच में से कट करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बीच में से कट करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारे इस तरीके से पीस तैयार हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हम सारे पीस ऐसे ही खोल लेते हैं और इनको अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इनको 2.5-2.5 इंच के हिसाब से नापेंगे। तो हमें ये 2.5-2.5 इंच के पीस चाहिए फ्रेंड। तो मैं इन सबको कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको 2.5-2.5 इंच के हिसाब से नाप के उसके कोने वाला कट करके इसको 2.5 इंच तैयार कर लेती हूँ। तो मैं तैयार करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीस तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दो दो पीस लेके इस तरीके से हमें सिलना है। तो हम अपने ये डिज़ाइन सेट कर लेते हैं पहले, कि हमें इस तरीके से इस पीस को यहाँ रख के ऐसे सिल देंगे फ्रेंड्स। तो हमारे ये पीस इस तरीके से जुड़े होंगे। तो ऐसे ही हम अपने सारे पीसों को लगा लेते हैं, ताकि हमारे सिलने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमेशा डिज़ाइन पहले सेट कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि हमें सिलने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, हमने अपने पीस लगा लिए हैं, अब हम एक एक पीस करके इसको सिलेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस सिल गए हैं, और हम इनको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से ओपन हो गया फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमारे पीस तैयार हो गए, तो हमें अब दूसरा डिजाइन सेट करना है। तो हमारे जो पीस थे ये सिल गए, अब हमें दूसरे वाला डिजाइन सेट करना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब ये मेरे जो चार टुकड़े हैं फ्रेंड्स, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं और सीधे उल्टे का देख के डिजाइन सेट कर लेते हैं। तो मेरे चार पीस हो गए फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें हर एक पीस इसके साथ सिलना है फ्रेंड्स। तो हम इस तरीके से लेंगे और ऐसे सिल देंगे फ्रेंड्स। तो एक तरफ हो गए सिलेगा फ्रेंड्स, जो भी हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम सिल लेते हैं। तो हर पीस को हम सेट कर लेते हैं, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमारा हर पीस पे कपड़ा सेट हो गया। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और एक बात और फ्रेंड्स, हमें डिज़ाइन नोक की तरफ से सिलना है फ्रेंड्स, साइड में से नहीं सिलना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें डिज़ाइन सिर्फ नोक की तरफ से सिलना है, इस तरीके से यहाँ सिलना है फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो जाए फ्रेंड्स, तो आप सीधा निशान लगा लीजिएगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमें इस तरह से सिलना है। तो मैं सारे पीस सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पीस सिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, तो हमारा ये एक्स्ट्रा था, तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम बाकी पीस भी ऐसे ही कट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से, तो मैं ये पीस भी कट कर लेती हूँ फ्रेंड, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीस बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इसका डिज़ाइन सेट करेंगे। तो हम डिज़ाइन सेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहला ये पीस यहाँ ऐसे आएगा, दूसरा पीस ये इस तरीके से आएगा। पहले मैं डिज़ाइन सेट कर लेती हूँ फ्रेंड, फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन सेट हो गया है। अब हमें इसको बारी बारी सिलना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो पीस हैं इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे। फिर इस पीस को भी ऐसे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से सिल देंगे। यहाँ जॉइंट पे जॉइंट होना चाहिए फ्रेंड्स, वरना डिज़ाइन अच्छा नहीं बन पाएगा। तो फिर इसको ऐसे सिल देंगे और इसको भी फ्रेंड जॉइंट से जॉइंट मिला होना चाहिए। तो हम पहले ऐसे सिल लेते हैं फ्रेंड, फिर इसको दूसरा तरह से सिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पीस सिल गए हैं। अब हम इसके ऊपर रख के दूसरा पीस सिलेंगे। तो हम इसको ऐसे सिल देंगे फ्रेंड्स। और सबसे पहले ये जो हमारा ये सिलेगा है, हम एक तरफ इसको इधर कर देंगे और दूसरे को इधर कर देंगे, ताकि हमारा मोटा मोटा सा ना रहे। और ऐसे ही हम इसको भी ऐसे ही कर देंगे फ्रेंड्स। और फिर हम इस पहले पिनअप कर लेते हैं फ्रेंड इन जोड़ों पर, और फिर हम सिल देंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। और देखिए कितना खूबसूरत और कितना सफाई से बनाए। तो आप भी ऐसे डिज़ाइन आप बनाइए और कुछ ना कुछ यूज कीजिए। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।